Hello students, welcome to economics lecture. My name is Jyoti Gaur, assistant professor from Indraprastha Law College, Greater Noida. Today our topic is sole proprietorship. Today we will learn about the meaning, features and merits of sole proprietorship. First, come to the meaning. Sole proprietorship refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by a single person. Means sole proprietorship एक business organization की form है. Business organization की बहुत सारी forms होती हैं, जैसे joint stock company, partnership, Hindu undivided family, उसी की एक form है sole proprietorship. Sole proprietorship का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि एक single person के द्वारा जब उसको owned किया जाता है, managed किया जाता है and controlled किया जाता है. Now comes to the features. There are 8 features of the sole proprietorship. फर्स्ट इज सिंगल ओनरशिप. सिंगल ओनरशिप मीन्स जब कोई एक सिंगल पर्सन किसी बिजनेस का मालिक होता है और उसमें जो कैपिटल सप्लाई की जाती है वो एक सिंगल ओनर के द्वारा ही की जाती है, मतलब बाहर से कोई भी इनकम नहीं ली जाती. दिस इज कॉल्ड सिंगल ओनरशिप एंड दिस इज द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ कम्स टू द सेकेंड, इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग. मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसा कि आप जानते हैं एक ही ओनर होता है, तो उसमें जो भी रिस्क होता है, जो भी लॉसेस होते हैं, वो अकेला ओनर ही बेयर करता है. थर्ड इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. मीन्स इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नज़रों में सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर और बिजनेस में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब लॉ की नज़रों में दोनों एक ही होते हैं, चाहे बिजनेस है चाहे बिजनेस का ओनर है. अगर बिजनेस में कोई प्रोडक्ट पे कोई केस डला है तो उसके लिए ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा, और ओनर पे अगर केस डला है तो उसके लिए बिजनेस प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है. नाउ फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस. फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस का यहाँ पर मतलब है कि जब जो कि ओनर होता है वो अकेला ही सारी चीज़ें कंट्रोल करता है बिजनेस की, वही उसको चलाता है, वही फंड अरेंज करता है, सब चीज़ें वही कंट्रोल करता है, तो उसे किसी की सलाह नहीं लेनी पड़ती, उसे किसी से बात नहीं करनी होती, इसलिए उसे जो भी काम करना होता है वो खुद के द्वारा ही करना होता है, तो उसे फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस होता है. नाउ कम्स टू अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी जो होती है ओनर की वो अनलिमिटेड होती है. यहाँ पर अनलिमिटेड से मतलब है कि अगर कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है तो उसके लिए जो भी डेब्ट्स या जो क्रेडिटर्स को पे करना होता है ओनर को अपनी एसेट्स को बेचकर, और अगर एसेट्स से पूरा नहीं कर पाता है तो उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सेल कर कर उनको देना पड़ता है. This is called unlimited liability. Sixth point is one man control. As you know, the owner is single, so full control over the business is only his. Small size का मतलब है कि यहाँ पर जो एक person जो owner होता है वो ही fund arrange करता है, वो ही इसको manage control करता है, तो जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है वो यहाँ पर छोटा होता है, क्योंकि सिंगल पर्सन ज़्यादा चीज़ें नहीं संभाल सकता, तो जो फर्म का साइज होता है वो स्मॉल होता है. नाउ लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. यहाँ पर लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब है कि बिजनेस और ओनर जो है वो एक ही होते हैं, सो अगर किसी ऑनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाती है, तो दे विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन बिजनेस. मींस अगर उसको कुछ भी हो गया है तो बिजनेस की कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है. देयर आर 7 मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. फर्स्ट इज इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व. ईजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व का यहाँ पर मतलब है कि इट कैन बी स्टार्ट ईजिली विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी एंड इट कैन बी क्लोज एनी टाइम वेन एवर द ऑनर रिक्वायर. इसमें हम एक एग्जाम्पल लोकल शॉपकीपर का ले सकते हैं. जो लोकल शॉपकीपर होता है वो
कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, और अगर उसे लॉसेज हो रहे हों तो वो विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज उसको कभी भी बंद कर सकता है. सो द फर्स्ट एडवांटेजेस इज इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व. नाउ कम्स टू द सेकेंड. सेकेंड इज डायरेक्ट इंसेंटिव. डायरेक्ट इंसेंटिव का यहाँ पर मीनिंग है कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होता है एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स के बीच में. मतलब जो ऑनर होता है वो जितने एफर्ट्स करेगा उससे जो भी उसको प्रॉफिट होगा या जो भी रिवॉर्ड होगा वो उसका खुद का होगा, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा. सो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है डायरेक्ट इंसेंटिव लेने के लिए. थर्ड इज फ्लैक्सिबिलिटी. फ्लैक्सिबिलिटी का यहाँ पर मतलब है कि जो सिंगल ऑनर है वो सारे डिसीजन खुद से लेता है, उसका टाइम वेस्ट नहीं होता है. टाइम वेस्ट नहीं होता है तो वो क्विक डिसीजन लेता है, इमीडिएट एक्शंस करता है, और अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो वो उसको जल्दी से अडेप्ट कर लेता है. दिस इज कॉल्ड द फ्लैक्सिबिलिटी. नाउ कम्स टू द फोर्थ पॉइंट, पर्सनल टच. पर्सनल टच का यहाँ पर मीनिंग है कि जो ऑनर होता है उसका अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, क्योंकि ऑनर के द्वारा सारा काम किया जाता है, सारी चीज़ें ऑनर के कंट्रोल में होती हैं, इसीलिए उसका अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है. फिफ्थ पॉइंट इज सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट्स. सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट्स का यहाँ पर मतलब है कि ऑनर अकेला होता है, उसे अपने बिजनेस में जितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो सारे वो खुद ही गेन करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्रेसी. सीक्रेसी का यहाँ पर मतलब है कि ऑनर जो होता है वो खुद से ही सारे डिसीजन लेता है, तो उसके लिए इजी हो जाता है मेंटेन करना जो सारे उसके सीक्रेट्स होते हैं बिजनेस के. तो इसमें कोई लीगल कंपल्शन भी नहीं होती सोल प्रोप्राइटरशिप में कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करे, तो इसलिए इसमें सीक्रेसी होती है. नेक्स्ट इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस. इस पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो उन बिजनेसेस के लिए सुटेबल होता है जिनमें कि बहुत ही कम कैपिटल या पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है, उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस जो है वो सही होता है. थैंक यू. सो वी हैव टुडे कंप्लीटेड द मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. थैंक यू सो मच.